हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को पतंग कैसे लड़ाई जाती है वो दिखाएंगे, किस तरह से पतंग लड़ाई जाती है। तो आज हमारे काइट मांझा 1911 चैनल पे आप लोग को ये सिखाया जाएगा कैसे पतंग लड़ाई जाती है। तो हम आप लोग को डमी के मदद से आपको आज हम पतंग सिखाएंगे। तो दो तरीके का डमी बना दिए हैं, देख सकते हैं, एक गुलाबी कलर की है, एक लाल कलर की है। अब इसके मदद से हम आप लोग को सिखाते हैं कैसे पतंग लड़ाई जाती है और कितने प्रकार की पतंग किस तरह से लड़ाई जाती है, कितने प्रकार की पेच होते हैं, किस तरह से लड़ाने से आसान होता है, किस तरह से आपको इस काटने से कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आप देखेंगे इस पतंग लड़ाने के। देखिए, ये लाल कलर की पतंग, ये गुलाबी कलर की, ये अपोनेंट की पतंग मान लेते हैं और ये हमारी पतंग हो जाएगी। तो हमारी पतंग रेड कलर की है, ये दो बार चक्कर मार के हम नीचे घुसते हैं, पहला पेच ये है और सीधा खींच ले गए, ये पतंग उतर जाएगी। ठीक, दूसरा पेच क्या है, अब देखिए दूसरा पेच ऊपर से अगर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको गद्दा बोलते हैं, ऊपर से ये सीधा पतंग नचाए और गद्दा मारे सीधा सीधा। ठीक है, ये दूसरा पेच हो गया। अब तीसरा पेच क्या है, यही इसी को गद्दे को अगर मान लीजिए ऐसे ऊपर लेके गया और गद्दा मारने का मौका नहीं मिल रहा है तो अपोनेंट अगर खींच रहा है ऊपर से तो आप उसके हाथ की तरफ, मतलब जिधर से वो पतंग उड़ा रहा है तो उसके तरफ ले जाएंगे जैसे घिसते हुए। ये पतंग जहाँ खींचेगा इसे सटेगा, इसके ऊपर डोरी ये उतर जाएगा, कट जाएगा। और उतना भी नहीं मौका मिलता तो फिर क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हुए अगर वो पतंग नचा रहा है नीचे, सेट नहीं हुआ, वो खींच नहीं रहा है, तो ये जाके एकदम उसके कन्नी के पास मारना है और जहाँ कन्नी के पास मारेंगे उधर वे उतर कट जाएगी। तो ये ऊपर से गद्दा और ये हो गया। और नीचे से अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं तो ये सीधा वाला बताए ही काटना है, लेकिन एक को अंदर इधर बाहर तरफ भी मार सकते हैं, बाहर मतलब ये बाहर हो गया, अंदर तरफ ये जब वो कस के पटक रहा है गद्दा, तो एक क्या है कि आप इधर मार के निकाल लीजिए, बहुत आपका स्पीड बहुत तेज़ हो खींचने की तो इधर से निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं है तो आप थोड़ा सा चक्कर दीजिए अंदर की तरफ, ऐसे चक्कर दीजिए और फिर तुरंत नीचे की तरफ, और इसका इस साइड नहीं थोड़ा टेढ़ा नहीं, इस साइड टेढ़ा, अंदर की तरफ टेढ़ा, अंदर की तरफ टेढ़ा मारेंगे तो ये जब पटकेगा, ये अपोनेंट जब पटकेगा सीधा सीधा गद्दा, तो ये ऐसे उतरते जाएगी और ये पतंग इस पर लड़ेगी तो क्या होगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ सटेगी जहाँ डोर, ये गद्दा इधर मारे तो आप भी उसी अपोजिट साइड में उसके हाथ की तरफ से मारिए और ये कट जाएगा। ये मेन चार तरीके होते हैं, जैसे आप अंदर की तरफ मार रहे हैं, बाहर की तरफ मार रहे हैं, फिर से एक बार देखिए, पहला अगर मान लीजिए ऐसे सीधा सीधा है, ये पतंग गया, ये सीधा ले गए, अगर ये कुछ नहीं कर रहा है तो खींचते हुए लेके चले जाइए, आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ होनी चाहिए कि बस देखिएगा ये नचा ना रहा हो ज़्यादा, और हल्का हल्का नचा रहा हो तो ये आप खींचते हुए लेके चले जाइए, कट जाएगा ये। दूसरा, जब अब नीचे से आप लेके गए हैं और ये नचा रहा है और तो इसकी पतंग थोड़ा दूर है तो और अंदर घुस जाइए थोड़ा सा, तब लड़ाने में और सही रहेगा, ये पटकेगा अभी तो कटने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे। इसकी पतंग दूर होनी चाहिए, पास नहीं होनी चाहिए, कन्नी के पास आप कभी नीचे से खींचेंगे तो कटने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे, तो थोड़ा सा और सटा कर रखना है, अंदर घुसना है और जब ये पटकेगा तब आपको सीधा खींचना है, एकदम ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा करके खींचना है सीधा एकदम कस के, तो कट जाएगा ये आराम से। तो ये सब चार पेच थे जो आराम से लड़ाते हैं, जो ऊपर नीचे से, जब दोनों पतंग अलग अलग डायरेक्शन से ढिलाई हो तो दिक्कत नहीं होती। तो ये हो गया आज का चार। तो दूसरे पार्ट में हम सिखाएंगे जब कोई ऊपर से पतंग ढीला रहता है तो कैसे लड़ाया जाता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की पेच लड़ानी है, तो उस जो पेच आप बताएंगे उस तरह की पेच हम आप लोग को सिखा सकते हैं, तो किस तरह से पेच आपको लड़ानी चाहिए, तो मैदान में पतंग कैसे लड़ती है, इस तरह के आप छत पे से कैसे पतंग लड़ती है, आसपास छत के ऊपर से अगर कोई पतंग ढील दिया है, पीछे से ढील दिया है तो उनको उसको कैसे काटते हैं, तो हम अगले पार्ट में आप लोग को ये सब बताएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें ज़रूर से,
थैंक यू।